गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ फुकेट। और फिलहाल मैं जिस फ्लाइट से जा रहा हूँ वाइट जेट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जो केबिन लगेज के मामले में, और मैं लिटरली एग्जैक्ट 7 kg कैरी कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। और प्लस ये जो बैग है मेरे पास वो भी अराउंड 1 kg तो होगा ही होगा। सो लेट्स सी अगर वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं अगर मैं 7 kg के ऊपर कैरी कर रहा हूँ। तो फुकेट की जो प्राइस है, सबसे मेन चीज़, बैंकॉक टू फुकेट ये जो फ्लाइट टिकट है मेरी, वो सिर्फ 980 rupees में है। यस गाइज, 980 rupees में मुझे ये फ़्लाइट मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है और जिसका कैबिन लगेज है सिर्फ इंक्लूडेड 7 kg का, बाकी कुछ नहीं है। सो ये चीपेस्ट वे है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्काई स्कैनर से आप बुक कीजिए, आपको चीपेस्ट वे में फ़्लाइट टिकट्स मिलेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रहेगा मैं आपको बता दे रहूँगा। सो लेट्स सी। देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी फ़्लाइट अभी विद इन हाफ एन आवर है, लाइक 2:50 का बोर्डिंग टाइम है और फ़्लाइट है 3:15 की बेसिकली, और ये फ़्लाइट होगी 1 hour 15 minutes की फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। सो ये जो फ़्लाइट है वो मुझे 980 में पड़ी थी, मैंने जैसे आपको बताया था, और वो सबसे चीपेस्ट वे वही है स्काई स्कैनर वाला। और फ़िलहाल मैं फुकेट में कहाँ कहाँ पे रहने वाला हूँ मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। फुकेट में एक हॉस्टल है LUB D नाम का है, हाँ, और वो हॉस्टल अराउंड मुझे 428 थाई बात में पड़ा है, जो कि हो जाते हैं अराउंड 800 rupees। और ये जो हॉस्टल है वो बेसिकली 4-star हॉस्टल है और उसमें सब कुछ है, स्विमिंग पूल से लेके इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह और भी बहुत अमेजिंग चीज़ है। सो जैसे जैसे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और वो हॉस्टल हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप कभी फुकेट में आते हो तो आपको वही हॉस्टल में आना है और कहीं पे मत जाना। एनीवेज़ फ़िलहाल तो आप देख सकते हो ये जो है बैंकॉक एयरपोर्ट, आई गेस ये अकेली लाइन है और उसके बाद में और एक टर्मिनल इन द सेंस गेट का टनल है। मुझे नहीं लग रहा ये इतना बड़ा है, क्योंकि मुंबई का या डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही इतना बड़ा है कि लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती है वो ही इतना बड़ा है। और जैसे कि मैंने बोला था मुंबई के एयरपोर्ट, प्लीज़ अगर आप जा रहे हो 2 घंटे पहले जाना, बहुत बड़ा है और देखने लायक है। आर्ट वर्क जो है लिटरली, मैं जब एक बार आ रहा था दिल्ली से तो मेरे फ्लाइट में एक बंदा था जो मुझे बोल रहा था, ही वॉज बेसिकली वो फॉरेनर था, कैनेडा से आया था, वो बोल रहा था मुंबई का एयरपोर्ट बेस्ट है बिकॉज उसको इतने सारे आर्ट वर्क दिखे वहाँ पे। सो वो तो पागल हो गया था उस वक्त। और एनीवेज फ़िलहाल तो फ़्लाइट अभी 15-20 minutes, मतलब आधे घंटे में तो है ही, तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ पर घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसा है। एंड नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर अगर मैं बैंकॉक आया तो बैंकॉक के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बैंकॉक सोलो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप एवरीडेज हॉस्टल है बैंकॉक में वहाँ पे रुक सकते हो, या फिर स्लम्बर पार्टी हॉस्टल है जो कि खाउसिन रोड के ही अराउंड है, और वो हॉस्टल सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो स्लम्बर पार्टी हॉस्टल बेस्ट है आपको अगर पार्टी क्रेजी नाइट लाइफ चाहिए तो।
और नाइट लाइफ की बारे में क्या बताऊँ मैं, बैंकॉक की नाइट लाइफ तो बहुत फेमस है। खाउसन रोड, ये चीज़, ये नाम आप याद रखिए, खाउसन रोड सबसे अमेजिंग ये है डेस्टिनेशन है अगर आप बैंकॉक में रुके हो और नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो। सब गाइस, अभी थोड़े ही देर में मेरी फ़्लाइट है, आप पीछे देख सकते हो, मैं भी वो मेरी फ़्लाइट है, थोड़े देर में निकलने वाला हूँ मैं फुकेट की ओर। वो वाइट जेट नाम की एयरलाइंस है, विच इज़ लाइक वियतनाम एयरलाइंस है, बेसिकली वियतनामी एयरलाइन। और फिलहाल मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाला हूँ और फुकेट में जाके आपको अपडेट करता हूँ कैसा है फुकेट एंड ऑल। सब गाइस, सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और फिलहाल मेरी फ़्लाइट जो थी वो 1 hour 5 minutes में ही लैंड हो गई, लाइक लिटरली 1 hour ही पकड़ लो। और जो नज़ारा था फुकेट में आते वक्त वो अमेजिंग था, आपने तो देखा ही होगा। और चलिए फिर बाहर चलते हैं, अभी देखते हैं पेटोंग बीच जाने के लिए हमें कितना बक्स पे करना पड़ता है, कितना बात पे करना पड़ता है। और जैसे ही आपको मैं बता दूंगा, मुझे लगता है कैब भी अवेलेबल है, शेयर्ड कैब एंड शेयर्ड टैक्सीज, शेयर्ड शटल बसेस वो भी अवेलेबल है 180 baht में। तो मैं देखूंगा कैसा है, जो चिपेस्ट वे रहेगा और जो भी कंफर्टेबल रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा और उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। और फिलहाल मुझे बहुत सारे इंडियंस भी मिले हैं, आई गेस वो भी पेटोंग बीच ही जाने वाले हैं, तो लेट्स सी मैं उनके साथ चले जाऊंगा लाइक शेयर में, या फिर मैं आपको बताते रहूंगा आगे क्या हो रहा है, सो स्टे ट्यून। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल ऑपरेटर्स, सेकेंड यस टैक्सी मिनी बस सर्विसेज, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज़ देयर। आप देख सकते हो मिनी बस, शेयर्ड मिनी बस 185 baht की है पेटोंग बीच के लिए, जहाँ पे मुझे जाना है, मेरा होटल पेटोंग बीच में है। और लेट्स सी कि मतलब अभी मेरे साथ 2-3 फ्रेंड्स भी है जो मेरे साथ आने वाले हैं और हम लोग अभी जाने वाले हैं पेटोंग बीच 185 baht पे करने के बाद। वैसे ये देखो, ये है फुकेट और ये है हमारी बस, इसमें हम लोग जाएंगे, ये शटल बस है। लेट्स सी अंदर का माहौल कैसा है।
हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं लव टी। ये जो मेरा हॉस्टल है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे ही मेरा हॉस्टल है। चलो आइए जाते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। बाहर से तो बहुत बढ़िया लग रहा था। वाओ, ओके ओके। सो सबसे पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ चेक इन काउंटर, एंड देन मैं आपको पूरा हॉस्टल टूर भी दे दूँगा। प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखते रहिए, बिकॉज बहुत अमेजिंग रहने वाला है ये वीडियो मेरे हिसाब से तो। सो लेट्स सी व्हाट्स अप गाइस। सो फिलहाल मैं जस्ट आया हूँ अपने रूम पे और बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, लेकिन फुल ऑन पंप अप। आपको रूम टूर दे देता हूँ। मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ बेसिकली। सो एक देख लीजिए, सो ये है मेरा रूम। सो यहाँ पे चार बंकर्स है बेसिकली, 1 2 3 4। एंड और ये तो अमेजिंग है, मैंने तो ऐसे वाला बंकर कभी देखा नहीं था। सो इट विल बी रियली ऑसम। 4348 ये वाला मेरा है। सो या मैं आपको मिलता हूँ नीचे। बाबा, you gonna be famous? Okay. Yo, what's up? Hello. Hey. What's up? What's up?